तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि आप सबको काफ़ी लोग को पता होगा कि मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ एंड मैं बीसीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट। तो मेरे काफ़ी मतलब फ्रेंड्स का और भी कुछ नए स्टूडेंट्स का इंस्टा पे मैसेज आ रहा था कि मतलब कॉलेज का एक टूर कराओ। मतलब मैंने कॉलेज के काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं, बस बट उसमें पूरा कॉलेज का टूर नहीं है। मतलब छोटा छोटा पार्ट या फिर हम लोग का जो भी होता है थोड़ा एंजॉयमेंट, बस वो रहता है। तो काफ़ी लोग का मैसेज आया था मेरे इंस्टा पे कि कॉलेज का पूरा टूर कराओ, दिखाओ बिल्डिंग्स कहाँ है, प्रोसेस क्या है, कैंटीन कितने हैं, एडमिशन कहाँ होता है। तो इसीलिए आज मैं पूरा कॉलेज का टूर कराने वाला हूँ। वीडियो आई थिंक बड़ा होगा बट पूरा नॉलेज मिलेगा वीडियो में आपको। हर एक डिपार्टमेंट या फिर जो भी है, जितना भी मैं कवर कर पाऊँगा, आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो गाइज यह कॉलेज का गेट, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। फर्स्ट गेट है, उधर आपका सेकंड गेट है। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं, फिर आपको और दिखाते हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। तो पहले हमारा एंट्री होता है, एंट्री वाला पार्ट मैं लगा दिया हूँ क्योंकि एंट्री टाइम बना लिया था, वहाँ इंट्रो नहीं शूट कर पाया। उसके बाद आपका आता है एकेडमिक ब्लॉक बी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग वगैरह, जैसे एडमिशन प्रोसेस जो होता है फॉर्म भरने के बाद जो हमारी काउंसलिंग होती है और एंट्रेंस वगैरह, यहाँ पे होता है एकेडमिक ब्लॉक बी में। तो अभी हम आपको एक बार अंदर का टूर दिखा देते हैं एकेडमिक ब्लॉक बी का, मतलब काउंसलिंग कहाँ होता है ये आपको हम बता देते हैं। यहाँ है रिसेप्शन, यहाँ पे मतलब आप पूछ सकते हैं, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है क्योंकि आई थिंक लंच टाइम है। और ऊपर आपको जाना है एडमिशन के लिए, काउंसलिंग ऊपर ही होती है। ये देखिए आपका ये आ गया काउंसलिंग हॉल। सो दिस इज द काउंसलिंग हॉल। यहाँ पे मतलब आपका वहाँ फॉर्म वगैरह पहले जमा होगा, फिर नेम कॉल किया जाएगा, फिर आप जाके एडमिशन प्रोसेस अपना स्टार्ट करोगे। आपकी काउंसलिंग यहीं होती है और जिसका एंट्रेंस होता है यही एंट्रेंस का भी यही सीन होता है, यहीं पे एंट्रेंस भी हो जाता है आगे लैब से वहाँ पे। सो एकेडमिक ब्लॉक बी से जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं, फिर आपको दिखता है कैंटीन। ये हमारा सेंट्रल कैंटीन, यहाँ भी ले चल के आपको एक बार विजिट करा देते हैं। एंड देखिए यहाँ से आपका सेंट्रल कैंटीन मिल जाएगा एंड हमारी जो क्लासेज है इसी बिल्डिंग में चलती है एकेडमिक ब्लॉक बी में। अब देखिए यहीं पे आपका आसपास दो चीज़ है, ये देखिए एडमिशन सेल है ये एंड ये आपका कैंटीन है। मतलब अगर आपको एडमिशन फॉर्म वगैरह लेना हो पहले या फिर कुछ एडमिशन के बारे में पूछना हो तो आप यहाँ पे जाके फॉर्म ले सकते हो एंड यहीं पे फॉर्म पहले स्टार्टिंग में सब कुछ यही है। अभी अंदर आपको एक बार ले जाएंगे, उससे पहले कैंटीन विजिट करा देते हैं आपको। सो दिस इज़ द सेंट्रल कैंटीन। एंड जैसे ही सेंट्रल कैंटीन से इस साइड से बाहर निकलेंगे आपको दिखेगा न्यूट्री फ्रेश, ये भी कैफ़े है। मतलब ये भी काफ़ी सही है, मतलब यहाँ की मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थोड़ा टेस्टी है कैंटीन के मुकाबले, मतलब ज़्यादा अच्छा। एंड ठीक है, मैं ज़्यादातर यहीं पर आता हूँ। एंड ये आपका एडमिशन सेल, यहाँ पर एडमिशन होता है। तो एंट्री करते एक बार एडमिशन सेल में। सो यहाँ हम आ गए एडमिशन सेल में। ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट, इफ़ यू आर ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यू कैन गो हियर। एंड अगर आप इंडियन हो, इंटरनेशनल नहीं हो, ऐसे ज़्यादातर व्यूअर्स इंडियन ही है, सो यू कैन गो हियर। दिस इज़ द एडमिशन सेल, यहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह मिल जाती है, आप यहाँ विजिट करके पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप आके फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो और यहाँ पे आके बात भी कर सकते हो, अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो यहाँ पे वो भी आप सॉल्व हो जाएगी आपकी। अब यहाँ से हम जैसे एग्जिट लेते हैं, हाँ, वहाँ पे सामने युवा कैफ़े आता है, काफ़ी पॉपुलर है इंटीग्रल में वैसे युवा कैफ़े। एंड ये देखिए लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, और इधर बिल्डिंग्स वगैरह वो भी हम विज़िट करेंगे। तो पहले आपको दिखाते हैं युवा कैफ़े। एंड युवा कैफे जाने से पहले ये सारी बेंचेस लगी हैं, अगर आपके क्लास फ्री हैं तो आप यहाँ के आके बैठ सकते हो एंड लंच टाइम में भी बैठ सकते हो। ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ भी आप बैठ सकते हो। और लॉन है उधर, लॉन भाई काफ़ी सही, हम लोग तो वहीं बैठते थे। अभी आपको युवा कैफ़े दिखाते हैं।
वो काफ़ी सही है, मतलब महंगा है बट हाँ ठीक है। सो दिस इज़ यूबा कैफ़े एंड यहाँ भी आप विज़िट कर सकते हो, काफ़ी सही है मतलब कॉफ़ी वगैरह के लिए। एंड फिर आता ये है बिल्डिंग लाइब्रेरी की। सो अभी हम आगे से लाइब्रेरी का दिखाते हैं हम आपको। सो अब इधर के सारे तो क्लियर हो गया, कैंटीन, एडमिशन ब्लॉक एंड कैफ़े। इसी में काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, मतलब एग्जामिनेशन सेल ऊपर 6th फ्लोर पे एग्जामिनेशन सेल है। एंड ये एकदम सेंटर में जो है वो है आपका ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में क्या होता है मतलब, सो फर्स्ट टाइम जब आओगे आप कॉलेज में, फर्स्ट डे आपको यहीं पे मतलब ओरिएंटेशन में बैठाया जाएगा, सॉरी ओरिएंटेशन नहीं कुछ तो होता है, ऑडिटोरियम में बैठाया जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ बताएंगे कॉलेज के बारे में, एक बार अंदर चल के आपको विज़िट करा देते हैं। सो चलिए आपको एक बार विज़िट करा देते हैं ऑडिटोरियम हमारा। ये आपका हॉल नंबर 1 आई थिंक बंद होगा, इसी में आपका होता है पहले ओरिएंटेशन, बंद है बट इसी में होगा आप इतना जान लो। एंड ये है इंटीग्रल का पूरा मैप नक्शा। एंड ये आपका है गैलरी, फाउंडर्स गैलरी। यहाँ पे इंटीग्रल के मतलब जितने अवार्ड्स वगैरह हैं वो सब रखे हुए हैं, तो यहाँ भी आप विज़िट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही है। तो हम जैसे ही ऑडिटोरियम से निकलते हैं फिर इधर आता है लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी 3rd फ्लोर पे, चलिए वो भी विज़िट ही करा देते हैं। सो ये है आपका सेंट्रल लाइब्रेरी। एंड यार एंट्री का इसमें थोड़ा सीन है, इसका आई कार्ड नहीं है एक्चुअली, और देखते हैं। तो ये आपका लाइब्रेरी है एंड अभी 2nd फ्लोर पे भी है, अभी तो फ़िलहाल बंद पड़ा है, मतलब क्लासेस वगैरह हम लोग की बंद है तो इसी वजह से बंद है। और यहाँ सब बुक्स ले सकते हो आप, ऊपर भी ऐसे सेम है और वहाँ से बैठने के लिए भी अच्छा खासा है, तो आप यहाँ भी आके पढ़ सकते हो। देखिए इसी बिल्डिंग में आपको सेंट्रल लाइब्रेरी के ऊपर मिल जाता है मेडिकल की सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके बाद लाइब्रेरी IIMS है जो भी है, ठीक है, और ऊपर सबसे है एग्जामिनेशन सेल। तो इसमें भी काफ़ी जो 6th फ्लोर है टोटल, तो सब पे अलग अलग से हैं। सो सेंट्रल लाइब्रेरी से जैसे हम लोग निकलते हैं, देखिए अब इधर आपकी दो बिल्डिंग आ जाती है, यह है BNLT और यह FLT। यहाँ भी क्लासेस चलती है और आगे इसके बाद आ जाता है ग्राउंड में, तो ग्राउंड भी एक बार चल के विज़िट कर लेते हैं। देखिए BNLT के सामने एक यहाँ पे जो है आपका फ़ीस वगैरह, अगर आपको मतलब कभी जैसे कि 2nd इंस्टॉलमेंट वगैरह अगर भरना हो, तो अभी तो फ़िलहाल ये बंद चल रहा है बट यहाँ पे फ़ीस वगैरह भरे जाते हैं, यहीं पे आपका फ़ीस सबमिट होगा और यहीं से आपको मिल जाएगा आपका मतलब रिसिप्ट वगैरह। तो 2nd इंस्टॉलमेंट यहाँ से आप भर सकते हैं एंड ऐप से भी भर सकते हैं। एंड आपका ये है BNLT बिल्डिंग, यहाँ पे कॉमर्स वगैरह की क्लासेस चलती है एंड हमारे भी क्लासेस चलती हैं BCA के भी। देखिए हम जा रहे हैं ग्राउंड साइड, और वैसे भी इधर ये हट्स वगैरह लगे हैं, मतलब कभी आपको लंच वगैरह करना हो या फिर बैठना हो फ्री टाइम में तो आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं। और वाटर कूलर है फॉर द पानी पीने के लिए। ग्राउंड जाने से पहले FLT में हम आपको थोड़ा और दिखा देते हैं, ये सब देख सकते हैं एक बार। ये आपकी हट्स वगैरह, इस पर बैठेंगे भाई बहुत मज़ा आता है, बट कॉलेज टाइम में जब क्लास रहता है तो फुल रहता है, बहुत कम मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग, इसको बोलते हैं FLT, ठीक है। ये देखिए फवारे भी लगे यहाँ पे, मतलब चलते हैं तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ये देख सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल बंद पड़े हैं भाई, कॉलेज बंद है तो ये सब बंद ही रहेगा। सो अभी आ गए हम ग्राउंड में, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी भाई बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, मतलब सब खेल खेलने के लिए बहुत है। बीच में आप क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं, और टेनिस का अलग बना है, वॉलीबॉल का अलग बना है, बैडमिंटन का अलग, सब कुछ अलग अलग है, तो आप मतलब काफ़ी इन्जॉय होने वाला। वैसे भी लोग बैठे रहते हैं, यहाँ जो छाँव है तो क्लास चलती है, लोग यहाँ पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, एक तरीके से पार्क समझ लो इसको। सो अगर आपकी क्लास वगैरह खाली होती है और लंच या होता है तो आप ग्राउंड में आके बैठ भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं ग्राउंड है तो खेलो ही। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा यहाँ का माहौल रहता है, और काफ़ी लोग यहाँ सब नीचे जो पेड़ के छांव के नीचे होता है यहाँ सब बैठे भी रहते हैं, और अपना गेम वगैरह भी जो भी चलता है खेल सकते हो।
बाकी हम लोग भी बैठते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। हमारा तो फिलहाल लास्ट ईयर है तो फिर भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, तो अब आप लोग भी आओ और करो। और अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का छोटा 1090। ये तो भाई पार्क समझ लो था, और एक 1090 यहाँ पे मतलब कैंटीन टाइप, यहाँ आपको काफ़ी टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है, मतलब फास्ट फूड वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और काफ़ी सही प्राइस में मिलता है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं अभी। तो भाई हमारे साथ छोटा सा प्रैंक हो गया है और सारी दुकानें बंद हैं, सारी शॉप्स बंद हैं, क्योंकि भाई कॉलेज में कोई है नहीं तो इनका कॉलेज खाएगा, तो इसलिए बंद है अभी। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ भाई, यहाँ का जो फास्ट फूड वगैरह है, मोमोज और चाउमीन नूडल्स जो भी है, जितने भी चीज़ें हैं भाई, कसम से बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं एंड बहुत कम प्राइस में 30 रुपये 20 रुपये 40 रुपये ऐसे मिल जाते सब कुछ, चिकन रोल और अंडा रोल ये सब। भाई मैं फूड ब्लॉगर बन रहा हूँ ऐसे, बट हाँ फिर भी आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या खाने के लिए मिल सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा भाई टेस्टी रहता है यहाँ का फूड, तो आप आके यहाँ पे ज़रूर एक बार देखिए। यहाँ सारे शॉप्स ही हैं, मतलब अभी तो बंद है बट यहाँ लाइन से शॉप्स रहते हैं, तो एकदम पीछे है कॉलेज के, जस्ट ग्राउंड दिखा दो, ग्राउंड के जस्ट बगल में है, तो यहाँ पे आके ज़रूर एक बार विज़िट करना। और अभी हमारा इतना मैंने वीडियो बना लिया, बट अभी मेडिकल बाकी रहेगा। मेडिकल यार काफ़ी बड़ा है, मेडिकल की बिल्डिंग, MBBS OPD वगैरह और हॉस्पिटल वगैरह भी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको रहन देते हैं, क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट में आता भी नहीं उतना, मेरा भाई पकड़ भी नहीं है कि अंदर जाके वीडियो बना सकता हूँ। यहाँ तो था एडमिशन सेल में घुस गया, फिर कहीं भी घुस के वीडियो बना लिया पहचान के, बट भाई वहाँ हमारा इतना पावर नहीं है, अब उसके लिए दोस्त को बुलाना पड़ेगा, तो और वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा, तो सोच रहे हैं कि बस इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। और होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।